तो देखिएगा, अपना राजस्थान जीके के लिए क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। 200 क्वेश्चंस की सीरीज है। सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपने वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या है कि 200 क्वेश्चंस है, जितने भी अपना जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को अपन ने डबल कर दिया है। जैसे कि 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले, तो अपने यहाँ पे इस सीरीज के अंदर 70 क्वेश्चंस कवर कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि 15 क्वेश्चन करंट कंप्यूटर के आते हैं तो अपन इसके अंदर अपन ने डबल कर दिया है। 5-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे तो इसके अंदर मैंने इनको डबल कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो सीरीज है इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा पैटर्न आपका डबल कर दिया है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस है उसका मैंने डबल सेट कर दिया। तो यानी कुल मिला के 200 क्वेश्चंस के अंदर अपन अप्रॉक्सीमेट अपन दो दो सेट डेली बेसिस के ऊपर लगा लेंगे और सभी क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो अपन किसी भी प्रकार का लंबा एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं, ओनली अपने को मॉक टेस्ट के रूप में लेना है ताकि 200 क्वेश्चंस को अपन फटाफट सॉल्व कर सकें। ओके, बात रही मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग को अपन अलग से सॉल्व कर रहे हैं, अलग से सेट चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उनके अंदर अपन मैथ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। फटाफट आंसर देते रहिएगा साथ साथ में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है राजस्थान के कोटा क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोटा के अंदर आपकी मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान देश में किसका एकमात्र उत्पादक है। देखिए ऑप्शन में से बताना है। सीरीज अगर आपको पसंद आई, 200 क्वेश्चंस का जो सेट होगा पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आई थिंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस सीरीज के माध्यम से आपका रिवीजन होता चलेगा। तो राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है, तो किसका उत्पादक है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे जेस्पर का, सीसा का, जस्ते का और वोलेस्टेनाइट का। सीसा, जस्ता, जेस्पर एंड वोलेस्टेनाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा। राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक है सीसा, जस्ता, जेस्पर एंड वोलेस्टेनाइट। अगला क्वेश्चन, आपकी जो भी लघु उपक्रम है, लघु उपक्रम का मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेज है, उसके लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? बिल्कुल सह सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके लिए प्लांट और मशीनरी में, प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या रखी गई है? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में 25 लाख से 5 करोड़। ऑप्शन नंबर ए 25 लाख से 5 करोड़ रखी गई है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान सरकार का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में पार्टनरशिप है? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दिए गए सभी विकल्प, यानी बात करें भाखड़ा नांगल में भी है, चंबल परियोजना में भी है और व्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल, चंबल और व्यास तीनों के अंदर राजस्थान का पार्टनरशिप है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, पावर प्रोजेक्ट्स का विकास करना। अगला कह रहे हैं कि जितने भी पावर स्टेशंस हैं उनका ऑपरेशन करना और उनका मेंटेनेंस करना। तो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य क्या है? यहाँ पे आंसर बनेगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। यानी जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका ऑपरेशन करना, सभी के सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? देखिए ऑप्शन में से बताना है कौन सा यादव राजवंश से संबंधित है, यादव राजवंश से संबंधित कौन सा है? यहाँ पे आंसर बनेगा आपका भाटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी राजस्थान बिलोंग्स टू द यादव डायनेस्टी? तो आंसर बनेगा यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी के साथ में भाटी। अगला क्वेश्चन आपका है अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? देखिए ऑप्शन में से अजमेर शहर का संस्थापक, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में अजय राज, ऑप्शन नंबर बी अजय राज। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा गया है दिवेर के युद्ध को, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ के इतिहास का मैराथन, ऑप्शन नंबर सी दिवेर का युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका,
किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह फतिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? विजय सिंह फतिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में प्रताप, ऑप्शन नंबर ए प्रताप। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन में से आजाद मोर्चा का गठन कहाँ पे होता है, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे हनुवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी हनुवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका मालवी, ऑप्शन नंबर डी मालवी। अगला क्वेश्चन, सही युग्मों को सुमिलित करना है, तो यहाँ पे आपको नृत्य दे रखा है और यहाँ पे आपको जनजाति दे रखा है, कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में एक दो, तो नेजा है, नेजा का संबंध भील से हो गया, इंडोनी का संबंध कालबेलिशिया हो गया, तेरह ताली का संबंध कामड़ हो गया और वालर का आपका ग्रासिया हो गया। इस तरीके से इन सबका संबंध है, नेजा भील है, इंडोनी कालबेलिया, तेरह ताली कामड़ और वालर ग्रासिया। अगला क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? यह आपकी अजमेर के अंदर पड़ती है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। अगला क्वेश्चन, जेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया ये सब है कौन से अंग में पहने जाने वाले आभूषण है? जेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में कान के। अगला क्वेश्चन, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन है, क्राफ्ट, जयपुर की परंपरागत क्राफ्ट क्या है? देखिए ऑप्शन में से जयपुर की परंपरागत शिल्प क्या है, जयपुर की, तो जयपुर की परंपरागत है आपकी ब्लू पॉटरी, ऑप्शन नंबर डी ब्लू पॉटरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाही योजना कब लागू की गई थी? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में 2008 के अंदर, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में, ऑप्शन नंबर डी 2008। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 2012 में प्रारंभ किया गया? 2012 के अंदर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो तीन स्टेटमेंट सही है, आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, यह सही है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना जैसे कि लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि, सही है। ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देना, यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यह आंसर बन जाएगा, यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है, तो किसानों से संबंधित कुछ नहीं है इसमें, आदर्श ग्राम पंचायत की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? पंचायती राज अधिनियम 1953 को कब संशोधित किया गया? इसका आंसर बनेगा आपका 1994 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 1994। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? आंसर बनेगा यहाँ पे 1939 में, ऑप्शन नंबर है 1939। श्री उमेद मिल्स लिमिटेड 1939 समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इंटीग्रेटेड
वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का नाम क्या कर दिया गया है? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है 1973 से 1976 में। ऑप्शन नंबर ए 1973 से 1976। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 73-74। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच में फाइनेंशियल शेयर का अनुपात कितना था? इसका अंश बनेगा 75 और 25। केंद्र के बीच में 75 है और राज्य के बीच में 25 है। अगला क्वेश्चन, पिंक बॉलवर्म है खबरों में था, यह निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? पिंक बॉलवर्म किस फसल के लिए हानिकारक है? इसका अंश बनेगा कपास के लिए, कॉटन के लिए। पिंक बॉलवर्म है कपास के लिए हानिकारक है। 1 अप्रैल 2018 से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल्स के लिए लागू हुआ? भारत स्टेज कौन सा है जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ? उसका नाम है भारत स्टेज 6। ऑप्शन नंबर सी BS6। भारतीय मिशन आदित्य L1, L का मतलब यहाँ पर लूनर, इसीलिए है। L1 का संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन में से L1 का संबंध बताना है किसके साथ में है। L1 का संबंध आपका सूर्य से है, आदित्य नाम आ गया, आदित्य का मतलब भी यहाँ पे सूर्य से हो जाएगा। आदित्य L1 का संबंध किससे है? आंसर बनेगा यहाँ पे सूर्य के साथ में। सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन बकायदा। भारत की पहली जैव मिथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? बायोमिथेन आधारित बस है, उसको सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर बनेगा टाटा कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर है टाटा कंपनी। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए किसे आधार वर्ष माना जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे 1999-2000 को। थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार माना जाता है 1999-2000। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? अविका कवच बीमा किस क्षेत्र के अंदर इफेक्टिव है? अविका कवच बीमा योजना तो ये आंसर बन जाएगा भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। अविका नगर टोंक में इनका भेड़ का एक संबंधित केंद्र भी है, अविका नगर टोंक में। तो अविका कवच बीमा योजना का संबंध आपका भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, ओके, अननेचुरल डेथ ऑफ शिप से संबंधित है। भारत में प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई भारत के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी अजमेर। मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रोवाइड करेगी? भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रोवाइड करेगी? तो ऋण की बात करें 50,000। ऑप्शन नंबर ए 50,000। राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? आंसर बनेगा इसका ओम प्रकाश गालव का संबंध है मिट्टी के डिजाइनर पात्रों से, ओम प्रकाश गालव है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? पिकॉक। तो राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक पिकॉक है? आंसर बनेगा यहाँ पे भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा जिले का जो प्रतीक है मोर है, पिकॉक। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ, तो इसके साथ है 51,000। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ 51,000। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में
मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा, देवनारायण पेनोरमा इसका शिलान्यास किया गया। तो देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास कहाँ से किया गया? इसका आंसर बनेगा भीलवाड़ा से, ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा से। भारत का पहला डिजिटल अकाइव, अकाइव उसको बोलते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स स्टोर किया जाते हैं, आर्चिव या अकाइव जिसमें डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए जाते हैं। भारत का पहला डिजिटल अकाइव राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? आंसर बनेगा पे बीकानेर में, ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। भारत के सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% अधिक पर वन पाए जाते हैं? तो 33% अधिक से भूभाग पर वन कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में है? आंसर बनेगा इसका 15 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी 15 राज्यों के अंदर 33% से अधिक भूभाग के ऊपर वन है, 15 राज्य। अगला क्वेश्चन, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान ये घोषित किया गया 9 जनवरी 2012 को, 9/1/12 को, 9/1/12 को। कथा किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो आंसर बनेगा पे खैर से, ऑप्शन नंबर डी। कथा किस वृक्ष से निकाला जाता है? खैर से। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है? जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है दूसरे स्थान पे? तो दूसरे स्थान पे हो जाएगी आपकी भील, दूसरे स्थान पे हो जाएगी आपकी भील, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद, तो आंसर बनेगा यहाँ पे मुख्य पशु उत्पाद है यहाँ पे मिल्क, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम जोधपुर। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव खेजड़ी ग्राम जोधपुर। राजस्थान का दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर के ऊंचाई तक सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसका आंसर बनेगा सागवान के वृक्ष, टीक या सागवान के वृक्ष। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार की बालुका स्तूप चिन्हित होते हैं? दृष्टद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप चिन्हित होते हैं? यहाँ पे अंश बनेगा रेखीय या पवन अनुवर्ती बालुका स्तूप, बोले तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल रेखीय या पवन अनुवर्ती बालुका स्तूप है, दृष्टद्वती नदी की घाटी में उपस्थित होते हैं। सीसा जस्ता का अयस्क कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन में से कौन सा है सीसा जस्ता का अयस्क नहीं है? देखिए ऑप्शन में से आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क हो गया। सीसा जस्ता, सीसा को अपन लेड भी बोलते हैं, सीसा को जस्ते को जिंक बोलते हैं, तो इनके अयस्क आपके गैलेना भी है, केलामाइन भी है, जिंकाइट भी है, हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क है। मेवात क्षेत्र, मेवात की बात हो रही है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? मेवात में है आपके अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर भरतपुर। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। फर्स्ट लेवल पे पंचायती राज सिस्टम 3 भागों में डिवाइडेड है, फर्स्ट लेवल के ऊपर कौन सी इकाई है? तो फर्स्ट लेवल के ऊपर आपकी है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। अगला क्वेश्चन आपका, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है?
पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग किसको अनुदान देता है? आंसर बनेगा यहाँ पे ग्राम पंचायत को, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? आंसर बनेगा यहाँ पे नाथ संप्रदाय की, जोधपुर महामंदिर नाथ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, नमदा, नमदा का जो उत्पादन है किसमें होता है सबसे ज्यादा? आंसर बनेगा यहाँ पे नमदा का उत्पादन सबसे ज्यादा टोंक में होता है, ऑप्शन नंबर है टोंक। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? आंसर बनेगा इसका 2015 से 16। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट जिसका नाम है एम्पावर, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान में गरीबी दूर करने के लिए ये जो एम्पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान ये शुरू किया गया है IFAD के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी IFAD के सहयोग से। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किसे के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी पशु मेला का संबंध नागौर से है, तो आंसर बनेगा नागौरी गाय। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नागौरी गाय के लिए, तेजाजी पशु मेला नागौरी गाय। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? सीमेंट के खोजकर्ता जोसेफ आस्पडीन है। क्या इसमें चूने का पत्थर काम में लिया जाता है, जिप्सम काम में लिया जाता है, दोनों काम में लिए जाते हैं? यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में चूने का पत्थर। यहाँ पे कच्चा माल पूछा गया है तो कच्चा माल क्या है, यहाँ पे आंसर बन जाएगा लाइम स्टोन, चूने का पत्थर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर में देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में है, देबारी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल आबाद गांव का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो आंसर बनेगा 100%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल इनहेबिटेड विलेज इलेक्ट्रीफाइड इन राजस्थान? तो टोटल 100%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैर परंपरागत सोर्स, गैर परंपरागत किनको बोलते हैं? जो आपके एक तो के परंपरागत, परंपरागत मतलब जैसे कोयला, गैर परंपरागत मतलब जैसे सौर ऊर्जा वाले। गैर परंपरागत सोर्स से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी की बात करें तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है वो एक नोडल एजेंसी है। किसके लिए? गैर परंपरागत सोर्सों से ऊर्जा उत्पादन हेतु। काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान और रिसर्च केंद्र। तो इसका आंसर बनेगा आपका सेंट्रल एरिड जोन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका जोधपुर में है। काजरी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? कोटा और बारा जिले की चूंदड़ी है उसका कार्य किस प्रकार का है? इसका आंसर बनेगा आपका टाई और डाई, ऑप्शन नंबर है टाई और डाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया, रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया, आंसर बनेगा इसका कौशल विकास पर, स्किल डेवलपमेंट पर, ऑप्शन नंबर बी। इनको अपने को मैच करना है कि हाईकोर्ट आपका कहाँ पर स्थित है, हाईकोर्ट जैसे कि आपका जोधपुर में है, इस तरीके से अपने को मैच करना है। बीकानेर के अंदर क्या है आपका? शिक्षा विभाग, ओके। उदयपुर में आपका क्या है? खनिज विभाग। भरतपुर में आपका बच गया कृषि, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। भरतपुर में आपका कृषि विभाग हो जाएगा, जोधपुर के अंदर आपका हाईकोर्ट हो जाएगा, बीकानेर में आपका शिक्षा विभाग है और आपका उदयपुर के अंदर खनिज विभाग है, ओके। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो मालवी का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो आंसर बनेगा यहाँ पे वागड़ी। मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है वागड़ी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है?
सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? आंसर बनेगा इसका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंग अनुपात है? आंसर बनेगा इसका 933, ऑप्शन नंबर ए 933। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने नागौर के पास शुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? सूफी संत ने नागौर के पास शुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। नागौर के पास शुवाल गांव में, आंसर बनेगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नागौर के पास शुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ में मंडन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? देखिए ऑप्शन में से मीरा पुरस्कार का संबंध है, मीरा पुरस्कार का संबंध यहाँ पे आपका बनेगा साहित्य से, मीरा पुरस्कार साहित्य। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? वह इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर लिखा, इतिहासकार का नाम है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर डी कर्नल जेम्स टोड। प्रावर्तन का नियम आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है? अब साइंस स्टार्ट हो चुकी है, अपन जीके देख चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं अपन। प्रावर्तन का नियम आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के प्रावर्तन के लिए सही है। यह समतल सतह के लिए, अवतल सतह, उत्तल सतह या सभी प्रकार की सतह के लिए। देखिएगा ये कहता है कि ये आपका ये कहलाता है आपका अभिलंब कहलाता है, ये आपकी सतह कहलाती है, ये आपकी आपतित किरण होगी, ये आपकी प्रावर्तित किरण होगी, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका प्रावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण प्रावर्तन कोण बराबर होता है, ये किस प्रकार की सतह के लिए लागू होता है? ये सभी प्रकार की सतह के लिए लागू होता है, समतल सतह, अवतल सतह, उत्तल सतह, तो ये आपका सभी प्रकार की सतह के लिए लागू है। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? आंसर बनेगा इसका एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जीवाणु द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? जीवाणु के खोजकर्ता आपके ल्यूवेन हॉक है। जीवाणु की खोज होती है 1676 में, 1676 में उसकी खोज होती है, सॉरी जीवित कोशिका की। जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। कौन सा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है? भौतिक का मतलब जिसमें अवस्था ही चेंज हो जाती है, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, कागज का जलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में पानी का उबलना, ठीक है, अवस्था चेंज हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है, फूड चेन है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या शोषण से? खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका आंसर बनेगा प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। अगला क्वेश्चन आपका, किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक किस में है? देखिए ऑप्शन में से ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा OF2 में। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है OF2। RH रोग के क्या लक्षण है? RH बीमारी है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है? आंसर बनेगा यहाँ पे सभी के सभी, बोले तो हृदय गति तेज हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है और पेट बढ़ने लगता है, सभी के सभी आपके RH बीमारी के लक्षण हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? आंसर बनेगा यहाँ पे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पर्यावरण का। प्रशीतक के चार सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है, यानी ओजोन को नष्ट करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी किस में है?
ओजोन लेयर को नष्ट करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ये आपकी है क्लोरोफ्लोरो में, CFC में, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसमें है? CFC में। अगला क्वेश्चन आपका, सफ़ेद शीशा का फॉर्मूला क्या बनेगा? आंसर बनेगा इसका PbOH का होल ट्वाइस ट्वाइस PbCO3। PbOH का होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस PbCO3, ऑप्शन सी। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? RBC की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होगा? ब्लड की कमी से, खून की कमी से जो रोग होता है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, एनीमिया रोग है। RBC की कमी से एनीमिया रोग है। जितने भी आपके तापद्रढ़ बहुलक है, तापद्रढ़ यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, देखिएगा टॉपिक वाइज MCQ कवर की है आपने, देखा है तो आपको सही याद होगा। दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो जितने भी आपके थर्मोसेटिंग बहुलक है उनके लिए सही कथन का आपको चयन करना है। थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनको एक बार आपने किसी भी आकार में डाल दिया तो आप उनका आकार चेंज नहीं कर सकते दोबारा भी गर्म करके। यहाँ पे आंसर बनेगा सभी के सभी सही है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन एक बार। गर्म करने पर न तो पिघलते हैं और न ही नरम होते हैं। इनको अपन गर्म करेंगे तो ये पिघलेंगे नहीं, ये आपके क्रॉस लिंक्ड बहुलक होते हैं। गर्म करने पर तिरेक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है और जब इसे ठंडा करते हैं तो यह अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो अपने बेकेलाइट है, बेकेलाइट या अपन कहें तो अपने जो भी इलेक्ट्रिक स्विच है वो इसके एग्जाम्पल है तापद्रढ़ बहुलक के। वाटसन और क्रिक ने DNA के मॉडल को कब प्रस्तावित किया था? आंसर बनेगा इसका 1953 में। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा और ये दिया गया था सन 1953 में। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविकी क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी का मतलब हाई रेजिटेंट, और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, क्या कहलाता है? गहरा रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, ये कहलाता है आपका ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। GMO इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? इसकी फुल फॉर्म बनेगी आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिकी रूपांतरित जीव। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे शैवाल। सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा ग्रहण की जाती है शैवाल के द्वारा। यहाँ पे अपने को मैच करना है, देखिएगा कुछ तो आपके थर्मोसेटिंग है, कुछ आपके थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, कुछ फाइबर है, कुछ आपके प्रत्यास्थ बहुलक है। जैसे कि बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट को अपन लेते हैं थर्मोसेटिंग में, तो बेकेलाइट हो गया आपका थर्मोसेटिंग, यानी दो में ए होना चाहिए, तो दो में ए कहाँ पे आ रहा है? ये कैंसिल हो गया मेरा, ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से PVC को अपन किस में ले लेंगे? ताप सुगट्टे में। ओके, रबड़ को अपन किस में ले लेंगे? नायलोन आपका रेसा हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये इसमें गया, PVC आपका बी आ जाएगा, ये बचेगा आपका ये दो, इन दोनों में से आपका आंसर निकल के आ रहे हैं बी में से। ठीक है, इस तरीके अपन इनको मैच कर लेते हैं एक बार। पहले में बी, PVC आपका ताप सुगट्टे हो गया, ताप सुगट्टे का मतलब थर्मोप्लास्टिक, बेकेलाइट का मतलब आपका थर्मोशेटिंग हो जाएगा ये आपका। ठीक है, आपका जो वल्कनीकृत रबड़ है, रबड़ को आप लेंगे प्रत्यास्थ बहुलक में और नायलॉन को लेंगे आप फाइबर में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मैच करेंगे वन। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन सब बाकायदा। अगला क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था? इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में किसने करवाया था? सबसे पहले तो ये करवाया था एप्पल कंपनी ने। इमोजी होता है ना, उनका परिचय सबसे पहले अपने डिवाइस में करवाया था एप्पल कंपनी ने। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट, जितने भी XML डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसके साथ आरंभ होना चाहिए? एवरी XML डॉक्यूमेंट मस्ट बिगन विद ए रूट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, XML वर्जन डिटेल्स या XML एट्रीब्यूट, किसके साथ होना चाहिए? यहाँ पे आंसर बनेगा रूट एलिमेंट के साथ में।
जितने भी XML डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टार्ट होने चाहिए रूट एलिमेंट के साथ में। स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है। स्पेशल डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा ओपन सोर्स टूल काम में लिया जाता है, इसके लिए काम में लिया जाता है आर्क GIS। कौन सा टूल काम में लिया जाता है, आर्क GIS टूल काम में लिया जाता है। कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा है, इसका आंसर बनेगा आपका साइमन, ऑप्शन नंबर ए साइमन। अगला क्वेश्चन, पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर, इसका आंसर बनेगा आपका एयरवाइज, ऑप्शन नंबर सी एयरवाइज। अगला क्वेश्चन, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज की कमी, तो ये आपका इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन की कमी से। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, इसका शुभारंभ किस वर्ष में किया गया। भारत का तो होता है पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 और विश्व का पहला है करीब 1, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1991। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ 1991 में। पृथ्वी की सतह के 2D 3D चित्र निरूपण का पता लगाने के लिए इसरो द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। 2D 3D इमेज है उसका विश्लेषण करने के लिए इसरो ने एक कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया, आंसर बनेगा इसका भुवन, ऑप्शन नंबर एक के साथ में भुवन। अगला क्वेश्चन, कौन सा आपका विद्युत मोटर का भाग नहीं है। विद्युत मोटर का पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा, मोटर में आर्मेचर भी होता है, मोटर में कम्यूटेटर भी होता है, मोटर में ब्रश भी होती है, मोटर में एमीटर नहीं होता, आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा भाग नहीं है विद्युत मोटर। तो मोटर में कम्यूटेटर होता है, डीसी एसी में होता है, मतलब कम्यूटेटर होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, आंसर बनेगा इसका एमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ओके, प्रतिरोध को चेंज करना है, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करना है अपने को, तो अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस काम में लेंगे और ये हो जाएगा आपका धारा नियंत्रक या रियोस्टेट जिसको अपन बोलते हैं। प्रतिरोध को चेंज करने के लिए अपन काम में लेंगे रियोस्टेट का। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, आंसर बनेगा इसका दूधिया कलर, ऑप्शन नंबर ए दूधिया कलर। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है। उत्प्रेरक की वजह से क्या होता है, तो जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा है, वो प्रभावित होती है। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रभावित होती है, सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है तो। अगला क्वेश्चन आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में CaSO4.HAF2O। देखिएगा यहाँ पे हाफ लगा है तो ये आपका POP का फॉर्मूला है, यहाँ पे डबल लगा है तो ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यहाँ पे आपका मिथेन है, ऑप्शन नंबर बी मिथेन आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चाहे आपकी प्राकृतिक गैस हो चाहे आपकी बायो गैस हो, इन सभी का प्राकृतिक घटक मुख्य घटक आपका मिथेन है, ध्यान रखना मिथेन है। ओके, अब देखिएगा कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते अपन। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। प्रेषक यानी जो भेजता है उसी के पास में उसका मेल वापस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बताइएगा, मेल भेजा जाता है, अगर वही मेल भेजने वाले के पास ही वापस आ जाता है तो वो कहलाता है आपका बाउंस मेल, कहलाता है बाउंस मेल। अगला क्वेश्चन, वेक्टर सुपर कंप्यूटर में बिजली को एक तार के अंदर 10 सेंटीमीटर यात्रा करने में कितना वक्त लगता है। वेक्टर सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, वेक्टर सुपर कंप्यूटर में बिजली की बात हो रही है, उसको एक तार के अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको याद करना है 0.33 नैनो सेकेंड, नैनो में हो जाता है 10 के पावर माइनस 9,
0.33 नैनो सेकंड, 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे डाटा चेंज करे तो आपको थोड़ा चेंज कर देना है। आंसर बन जाएगा 10। करे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करे CRAY करे कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती है। ये करे कंपनी किस देश की है? जैसे कि भारत का परम 8000 है, उसको सीडेक ने बनाया था। भारत का परम 8000 सीडेक कंपनी ने बनाया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है करे 1, ये किसने बनाया था? ये अमेरिका का है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला आपका क्वेश्चन है, लैन की बात हो रही है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से पैकेट उठाकर दूसरे लैन को भेजने के दौरान ब्रिज किस रूप में कार्य करता है? यहाँ पे आंसर बनेगा एड्रेस फिल्टर के रूप में। लैन से किसी भी पैकेट को उठाकर दूसरे लैन को भेजने के दौरान आपका जो ब्रिज है वो किस रूप में कार्य करेगा? ब्रिज कार्य करेगा एड्रेस फिल्टर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। फैक्स, फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? फैक्स के संचालन के लिए किस नेटवर्क का यूज किया जाता है? नेटवर्क का नाम है PSTN। फैक्स के संचालन के लिए PSTN नेटवर्क का यूज किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? अब देखिएगा, पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का था आपका करे 1 है। उसकी आकृति पूछी गई है, करे 1 की आकृति कैसी थी? अमेरिका ने इसको बनाया था। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बेलना कार। अगला क्वेश्चन आपका है, सुपर कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट का टेम्परेचर कितने डिग्री के आसपास स्थिर होना चाहिए? सुपर कंप्यूटर के IC का टेम्परेचर कितने डिग्री के आसपास स्थिर होना चाहिए? यहाँ पे आंसर बनेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास स्थिर होना चाहिए। सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल यानी श्रेणी क्रम, सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात गलत है? पहला है, एडिटर यूजर प्रोग्राम को सोर्स कोड बनाता है। ट्रांसलेटर सोर्स कोड को बाइनरी में बदलता है। लोडर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है। यदि सिंटैक्स एरर का पता चले तो पूरी प्रक्रिया को फिर शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत है, जरूरत पड़ेगी सिंटैक्स एरर में। तो ये आपका असत्य कथन बताना है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे असत्य है। बाकी रीडिंग मान लीजिएगा दोबारा से, एडिटर यूजर प्रोग्राम को सोर्स कोड बनाता है। ट्रांसलेटर सोर्स को बाइनरी में बदलता है। लोडर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? आंसर बनेगा इसका यूनिक्स। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो आंसर बनेगा यूनिक्स। लाइट पेन में एक फोटोसेल लगा होता है, यह किस व्यवस्था पर आधारित है? लाइट पेन में फोटोसेल लगा रहता है, ये आपका ऑप्टिकल ऑप्टिकल सिस्टम पर आधारित है। लाइट पेन में फोटोसेल लगा रहता है, ऑप्टिकल पर आधारित है। लिस्ट सर्वर नामक लिस्ट सर्वर की रचना किसने की थी? तो ये रचना की गई थी एरिक थॉमस के द्वारा, ऑप्शन नंबर है एरिक थॉमस। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन सा कुख्यात वायरस है? लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन सा एक कुख्यात वायरस है? ये वायरस का नाम है यहाँ पे वर्म्स, WORMS, ऑप्शन नंबर बी वर्म्स। कुख्यात वायरस लैन नेटवर्क को संक्रमित करने वाला। अगला क्वेश्चन, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? कॉमर्शियल यूज, वायरस का सबसे पहले यूज कब होता है? इसका आंसर बनेगा सन 1985 में, ऑप्शन नंबर डी 1985। यदि कोई भी हिडन फाइल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है तो इसकी जांच किस कमांड से होगी? आंसर बनेगा इसका CHKDSK। कमांड का नाम है यहाँ पे चेक CHKDSK। हिडन फाइल की संख्या बढ़ जाती है तो किस कमांड से अपन आइडेंटिफाइड करेंगे? CHKDSK। रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? रेन ड्रॉप्स, तो ये आपका एग्जीक्यूटिव एंड कॉमर्शियल वायरस है, EXE और COM।
एग्जीक्यूटिव एंड कॉमर्शियल, रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है, ई एक्सी एंड सी ओ एम वायरस, यूवी इपीरोम और डब्ली रोम दोनों किस प्रकार की मेमोरी के टाइप्स है, अल्ट्रावायलेट और इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों किसके टाइप्स हैं? तो ये दोनों के दोनों आपके ईपीरोम के टाइप्स हैं, दोनों के दोनों ईपीरोम्स के टाइप हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है रियल वर्क टास्क के लिए, रियल वर्ल्ड टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि बात करें अपन काम में लेते हैं, अपना एक्सेल हो गया, वर्ड ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पीपीटी हो गया, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इनको बनाया जाता है रियल वर्ल्ड टास्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी डिस्क के निर्माण के समय जब डेटा डाला जाता है, बाद में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन वर्जित किया जाता है, इस प्रकार की डिस्क क्या कहलाती है? एक बार आपने किसी डिस्क में डाटा डाल दिया, उसके बाद में उस डाटा को परिवर्तन नहीं किया जाता, तो वो किस प्रकार की है? तो आपकी रीड ओनली, रीड ओनली में एक बार डाटा डाल दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली। सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, यूनिक्स। सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? आंसर बनेगा यूनिक्स। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जॉन डब्ल्यू टुकी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जॉन डब्ल्यू टुकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने में स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट्स और टॉपिक संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है? आंसर बनेगा इसका बैकडोर, ऑप्शन नंबर ए बैकडोर। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में, हार्ड डिस्क के जितने भी ट्रैक हैं, हार्ड डिस्क को अपन ट्रैक्स में विभाजित करते हैं जो फिर से उपविभाजित होता है। हार्ड डिस्क की बात करें उसके अंदर आपका जो ट्रैक होता है, ट्रैक किसके अंदर डिवाइडेड होता है फिर से, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रैक आपका सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है, ऑप्शन नंबर बी सेक्टर्स में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट है किसके ऊपर काम करता है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सैटेलाइट, पैकेट और सर्किट दोनों के ऊपर इंटरनेट किसके ऊपर काम करता है? आंसर बनेगा इसका पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी पैकेट स्विचिंग। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है, असाइन प्रोवाइड करता है? कौन सा प्रोटोकॉल है इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? यहाँ पे आंसर बनेगा DHCP, ऑप्शन नंबर सी DHCP, प्रोटोकॉल का नाम है DHCP। अगला क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस की साइज क्या होती है? आंसर बनेगा इसका 128 बिट होती है, ऑप्शन नंबर ए 128 बिट। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड कैश सेंसिटिव होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, कैश इनसेंसिटिव होता है? तो आंसर बनेगा कैश सेंसिटिव। कैश सेंसिटिव का मतलब हो गया अपन अपर लेटर भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, ओके, कैश सेंसिटिव उनको बोलते हैं। तो पासवर्ड सबका कॉम्बिनेशन है, कैश सेंसिटिव है, ओके। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कौन करेगा? यह अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 164, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का चयन होता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यहाँ पे बी और सी, विधानसभा और विधान परिषद, ओके।
ऑप्शन नंबर, जैसे कि अपन विधानसभा से, फॉर एग्जांपल आप बात करो जैसे कि अशोक गहलोत आपकी विधानसभा से हैं, और विधान परिषद से आप बात करोगे जैसे कि अपन बात करें महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, या अपन कहते हैं बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, दोनों कहाँ से हैं, दोनों विधान परिषद से हैं। तो मुख्यमंत्री चुना जाते हैं, आंसर बन जाएगा विधानसभा और विधान परिषद दोनों से। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? तो मुख्यमंत्री करेगा यहाँ पे आर्टिकल 166 के तहत, कार्यवाही का पूछा गया है, कार्यवाही संचालन मुख्यमंत्री करेंगे आर्टिकल 166 के तहत। मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? कार्यों का वर्णन, तो कार्यों का वर्णन ऑप्शन नंबर बी के साथ में 167 है। अगला क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अंश बनेगा इसका सातवीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी सातवीं अनुसूची। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राजमन्नार समिति ये गठित की गई थी तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं? शक्ति और कार्य तीन सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य की शक्ति और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं? तो आंसर बनेगा यहाँ पे तीन सूचियों में। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो संसद का निर्माण, आंसर बन जाएगा यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर बनेगा इसका 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर बनेगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आंसर बनेगा इसका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था समिति के सामने? ये रखा गया था नेहरू जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नेहरू जी। राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने पहली पीढ़ी के पंचायत का उद्घाटन कब किया? आंसर बनेगा इसका 2 अक्टूबर 1959 को। तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति में शामिल थे, तो आंसर बनेगा गांव, ब्लॉक, जिला, सभी के सभी। पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बनेगा के संतानम। अगला क्वेश्चन, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? पंचायत की बात हो रही है, पंचायत के लिए चाहिए 21 वर्ष, पंचायत के लिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पंचायत सशक्तिकरण के मामले में भारत के तीन अग्रणी राज्य है, तीन अग्रणी राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सेट नंबर 2 के साथ में, और सभी के सभी अपन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में सॉल्व करने वाले हैं। आज वाले में अपना हिंदी और इंग्लिश रह गया, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस रह गए, कोशिश करेंगे कल वाला जो सेट होगा सेट नंबर 2 के साथ में उसका बिल्कुल अपन पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चले। जितने क्वेश्चंस राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे उतना ही करेंगे, डबल करेंगे नहीं अपन, ओके 35 क्वेश्चन पूछते तो 35 अपन करेंगे। तो कंटिन्यू कल वाला सेशन अपन उसी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।